टू माई न्यू वीडियो। आज मैं लेकर आ चुका हूँ एक फाइटिंग पंच की वीडियो। यार आप लोगों की बहुत ज्यादा कमेंट आती है कि भाई फाइटिंग पंच बनाना सिखाओ, क्योंकि यार ऑनलाइन तो कम बंदों को मिल रहा है, मतलब यार ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, तो यार सबको नहीं मिल पा रहा। सबने कहा यार लेकर आओ, तो मैं लेकर आ चुका हूँ। ये मैंने भाई साइकिल का जो होता है जिस पे चैन चलती है, अगला वाला वो निकाल लिया और भाई अब मैं लेकर आ चुका हूँ इसे खैरात पर। इसे देखो, पहले तो मैं आगे से यहाँ से कटवा रहा हूँ, आप पूरा देख लेना, आप इसे आराम से घर पर बना सकते हो। देखो पहले हम आगे से काट रहे हैं, उसके बाद भाई थोड़ा पीछे से काटेंगे। और यार ये पूरा कंप्लीट बनने के बाद जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। मतलब यार जो ऑनलाइन पंच आता है उससे भाई 100 गुना ज्यादा हाई मटेरियल वाला बन जाता है और हाई पावर वाला ही बन जाता है। तो यार अब हम काट रहे हैं, देखो इसे पीछे से, हमने आगे से यहाँ से काट लिया और भाई हम काट रहे हैं इसे अब पीछे से। दोनों तरफ से तो यार हमने एक काट लिया है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। अब काट रहे हैं यार बीच में थोड़ा हार्ड है तो काटने में थोड़ा टाइम लग रहा है। फिलहाल यार हम काट ही लेंगे, तो अब इसे प्लास की मदद से तोड़ के देखते हैं भाई टूटता है नहीं। तो ये प्लास की मदद से यार हमने इससे अलग कर लिया है। अब यार हम इसे घिस के थोड़ी शाइनिंग वगैरह देते हैं। वैसे तो यार नॉक वगैरह इसकी रह जाती है, तो इस वजह से हम सेफ्टी जरूरी है, पूरा घिस के यार इसे मॉडिफाई करके बनाएंगे। तो इसे यार फिलहाल हम घिस रहे हैं, पूरा मॉडिफाई वर्जन में बनाने वाले हैं। तो इसे यार हमने चारों तरफ से बढ़िया करके घिस लिया। अब इसमें भाई जिससे बैग हथेली पर चोट ना लगे, हम यार इसके अंदर एक सरिया का मटेरियल जोड़ रहे हैं। तो यार पहले दोनों तरफ वेल्डिंग करेंगे, पहले इधरली तरफ कर रहे हैं फिर भाई इधरली तरफ करेंगे। और भाई जो भी इसके अंदर मतलब ये लुकिंग अच्छी नहीं देगा तो यार उसे घिस वगैरह करके आप भी मॉडिफाई वर्जन बना लेना। यार कोई इतना भारी नहीं है, आपको जाके किसी भी खैरत वाले आदमी से कह देना है भाई, वह आराम से बना के दे देंगे, आप जिस भी ढाल में चाहो यार उसमें बन जाएगा। गाइज यार हमारा जो पंच है पूरा कंप्लीट होने वाला है, बस एक तरफ से यार हम इसे ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं जिसे भाई टूटे ना, क्योंकि यार हमें बहुत सारी ऐसी ऐसी काम करने रहते हैं जिसे टूट सकता है। तो भाई हमारा कुछ ऐसा वर्जन तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं लुकिंग तो काफ़ी मस्त लग रही है। आप यार इस पर कलर वगैरह करके और मस्त भी बना सकते हैं। अभी मैं यार अगली वीडियो लाऊंगा, उसमें यार इसे पूरा मॉडिफाई वर्जन करके लाऊंगा। तो फिलहाल यार वीडियो जल्दी लानी थी तो मैंने आपकी कमेंट पढ़ के यार इस वजह से जल्दी लिया। फिलहाल करते हैं टेस्टिंग स्टार्ट। यार देखो नॉर्मल मारते हैं तो इट्टी नहीं फूटती है भाई, जब पूरी जान से मारते हैं तो यार थोड़ी सी टूट जाती है, और पूरा मारते हैं तो पूरी टिक गिर जाती है। देखो भाई यार थोड़ी उंगली पर हमारी चोट भी लग गई थी, तो यार पंच को तो देखो कुछ भी नहीं हुआ यार, क्योंकि इसके अंदर नॉक बहुत ज्यादा भर भर के रखी है, पर इट्टी के इसने दो कर दिए। तो यार अब पेड़ पर देखो हम मार रहे हैं तो आराम से इसने यार छेद कर दिए हैं। देखो यार ये आराम से पेड़ के अंदर छेद पे छेद करो जा रहा है। अब हम सोच रहे हैं यार इससे इसकी नॉक का भी टेस्ट कर लेते हैं, तो यार इसे छील के देखेंगे कितने अच्छे तरीके से छीलता है। अब देख ही सकते हैं यार ये पूरा पपड़ा का पपड़ा तारने में लगा हुआ है आराम से, भाई पूरे पेड़ का नाश भी लग सकता है। वैसे यार ये पेड़ अपने ही, हम और किसी के साथ ऐसा नहीं कर रहे, अपने ही पेड़ है, कभी आप गलत वे में ले लो। दोस्तों यार मैं ऐसी ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, आपको देखो वीडियो में मजा आया तो यार प्लीज़ एक लाइक कर देना, और भाई चैनल पर पहली बार आया तो भाई सब्सक्राइब तो देखो जरूर कर लेना। हर संडे यार मैं कोशिश करूँगा कि हाउ टू मेक की वीडियो लाता रहूँ, मतलब यार कुछ वेपन वगैरह बनाता रहूँ, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।